द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हिजबुल्ला चीफ रहे नसरुल्ला की शहादत बेकार नहीं जाएगी। सराय अल कुदूस के लड़ाके ने सुरंग के अंदर से हिजबुल्ला को संदेश दिया है, कहा है कि नसरुल्ला के सपनों को बर्बाद नहीं होने देंगे। नसरुल्ला की मौत पर पूरे मिडिल ईस्ट को बड़ा झटका लगा है, सबको झकझोर कर रख दिया है। देखिए, सुन्नी समुदाय के एक बड़े धर्म गुरु नसरुल्ला की शहादत पर बोलते बोलते रोने लगे हैं, उनका दिल और आंख दोनों भर आया है। वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे। इसके साथ ही इजराइल क्या कर रहा है गाजा पट्टी में, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ कत्लेआम करना, उनको बेघर करना और सभी तरह के जुल्म उन पर कर रहा है, इस पर भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में, मेरा नाम उदीप्त आर्यन है। देखिए, वीडियो की शुरुआत हम सराय अल कुदूस के लड़ाके जो हैं उसमें से एक जो लड़ाका है उसने सुरंग के अंदर से हिजबुल्ला को संदेश दिया है, एक वीडियो क्लिप आपको हम दिखाते हैं, देखिए। देखिए, सराय अल कुदूस के एक लड़ाके ने यह संदेश दिया है कि अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है, लेकिन उसी का सहारा है। हमारे जो लीडर हैं जिनकी शहादत हो गई, नसरुल्ला की शहादत इनकलाब लाएगी लेबनान के लड़ाकों, हमें भरोसा है कि जो रास्ता सैयद हसन नसरुल्ला ने दिखाई है उस रास्ते पर चलकर हम इज़राइल को नेस्नाबूद कर देंगे, इस दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर देंगे। जी हाँ, हिजबुल्ला ने शनिवार को नसरुल्ला की हत्या की पुष्टि की और गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में तथा लेबनान और उसके दृढ़ और सम्मानीय लोगों की रक्षा में इज़राइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया है। आपको बता दें कि 32 सालों तक नसरुल्ला ने ईरान समर्थित समूह का नेतृत्व किया है, एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में उन्होंने कार्य किया है, जिन्होंने हिजबुल्ला को लेबनान में प्रमुख स्थान दिलाया और इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। अपने समर्थकों के बीच सिया नेता की इस बात के लिए प्रशंसा की जाती थी कि उन्होंने इसराइल के खिलाफ खड़े होकर अमेरिका तक की अवहेलना की, अपने दुश्मनों के लिए वह एक आतंकवादी संगठन के मुखिया थे। और अगर बात करें हम मध्य पूर्व की, तो देखिए, मध्य पूर्व में जो उनका प्रभाव था उसके लिए ईरान के संघर्ष में उनका प्रतिनिधित्व तो हमेशा याद किया जाएगा। देखिए, अब मध्य पूर्व की राजनीति की बात आती है तो हसन नसरुल्ला एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं। अगर आप कहें तो वो ईरान के सबसे मजबूत और मुख्य स्तंभ के रूप में उनको आज भी, जबकि उनकी शहादत हो चुकी है, याद किया जाता है। उन्होंने हिजबुल्ला को आज के समय में संगठित लड़ाकों और अनुशासित ताकत बनाया था। तो चलिए अब एक और वीडियो क्लिप आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये वीडियो क्लिप जो है वो सुन्नी समुदाय के एक धर्म गुरु का है, जी हाँ, और वो चीख कर रोने लगते हैं जब वो नसरुल्ला की शहादत पर बोलते हैं। उस दरमियान पहले आप एक क्लिप देखिए। तो देखिए, नसरुल्ला ने 3 दशक से अधिक समय तक हिजबुल्ला का नेतृत्व किया है। दुनिया भर में, पूरी दुनिया में जो सिया समुदाय के लोग हैं उनके बीच सैयद हसन नसरुल्ला को काफी प्रतिष्ठा प्राप्त थी, काफी उनका सम्मान था। अगर भारत की बात करें तो कश्मीर में भी जो सिया समुदाय है उन्हें प्रतिरोध का प्रतीक मानता था। हिजबुल्ला द्वारा नसरुल्ला की मौत की पुष्टि किए जाने के कुछ समय बाद ही, अगर हम बात करें श्रीनगर की, कश्मीर की, तो श्रीनगर के सांसद जो हैं सैयद रुहाला मेहंदी, उन्होंने अपना चुनाव प्रचार तक बंद कर दिया था। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती ने भी एक्स पर लिखा था कि लेबनान और गाजा के शहीदों, खास तौर पर हसन नसरुल्ला के साथ एकजुटता दिखाते हुए कल अपना अभियान रद्द कर रही है। हम इस दुख और के घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी हस्ती रहे हैं। और इन जो आप क्लिप वीडियो देखा आपने, ये जो सिया समुदाय के एक बड़े धर्म गुरु हैं वो रोने लगते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं। तो चलिए अब आपको हम इज़राइल की हैवानियत की कहानी भी बता देते हैं, हालांकि आप जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ वीडियो क्लिप आपको हम दिखाएंगे। पहली वीडियो क्लिप में इस बच्ची का आप दर्द देखिए, जो उत्तरी गाजा की बताई जा रही है, यानी नॉर्दर्न जो रीजन है गाजा का वहां की है, जिसका घर छिन चुका है।
इजरायली आर्मी ने उसके परिवार को बेघर कर दिया है, न खाने का इंतजाम है न पानी का इंतजाम है। इस वीडियो को पहले आप देखिए और उस बच्ची का दर्द समझिए। अब देखिए हजारों महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी का क्या हाल बना दिया गया है। ये वीडियो क्लिप भी छोटा सा वीडियो क्लिप है, पहले आप देख लीजिए। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल अक्टूबर में इजराइल का जब हमला शुरू हुआ उसके बाद गाजा में करीब 23 लाख नागरिक कम से कम एक बार जरूर विस्थापित हो चुके हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो कई बार विस्थापित हो चुके हैं। गाजा का ज्यादातर जो इलाका है वो इजरायली सेना ने विस्थापन का आदेश दे रखा है। लोगों का कहना है कि उनके पास भागने के लिए अब जमीन नहीं बची है, अब जगह नहीं बचा है। पिछले एक साल से ज्यादा वक्त ऐसा हो चुका है जो फिलिस्तीन में इजराइल का हमला जो है वो लगातार जारी है, जिसमें हजारों नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी है। इजराइल के हमले से मरने वालों में महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार नॉर्थ गाजा में करीब 4 लाख फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं और इजरायली सेना के निकासी आदेश जारी करने के बावजूद किसी को भी इलाके को छोड़ने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है। ऐसे में कहानी एक फिलिस्तीनी महिला और उसके परिवार की है जिसको जंग में पिछले साल 14 बार विस्थापित होने का दर्द जो है वो झेलना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पीड़ा है जो गाजा पट्टी के लोग हैं, जो लेबनान के लोग हैं, जो फिलिस्तीन के लोग हैं, उन पर किस तरीके का अत्याचार इजराइल कर रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।